सेना को मिला पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, दुश्मन के घर में घुसकर होगी एयर स्ट्राइक। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच मिला है। इस ड्रोन का नाम है नगस्त्र 1। अब सेना किसी भी समय चुपके से आतंकियों और देश के दुश्मनों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। ये ड्रोन राइडर में भी पकड़ नहीं आएंगे, इन्हें देश की ही कंपनी ने बनाया है। ऐसे में जानते हैं इस ड्रोन की ताकत। इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नगस्त्र 1 का पहला बैच जो मिला है, इस बैच में 120 ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म कर देगा। आत्मघाती ड्रोन्स को सेना, आपको बता दे कि लॉयट्रिंग और म्यूनिशन यहाँ तक कि कहती है, यानी कि आपको बता दें कि सामान्य भाषा में कहें तो सुसाइड ड्रोन्स। इसे बनाया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने। दोनों कंपनियां सोलर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी हैं और साफ तौर पर माना जा रहा है कि सेना को कुल मिलाकर 450 नगस्त्र दिए जाएंगे। इसके परीक्षण चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किए गए हैं, यानी भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। इन ड्रोन्स को चुपके से कम आवाज और कम नजर आने वाली तकनीक की मदद से दुश्मन के घर में घुसकर हमला करवाया जा सकता है। इस हथियार के दो वेरिएंट्स हैं। नगस्त्र के दोनों वेरिएंट्स 60 और 90 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है। 1 से 40 केजी वजन के हथियार लेकर भारत, आपको बता दे, उड़ान परीक्षण के दौरान दुनिया में ये पहली बार हुआ था कि जब 1 से लेकर 40 केजी वॉरहेंट के साथ किसी मैन पोर्टेबल लॉयटर म्यूजनिशन का सफल ट्रायल हुआ। ये ड्रोन लगभग 4500 मीटर ऊपर उड़ान भरते हुए सीधे दुश्मन के टैंक, बैंकर, यहाँ तक कि बखतबंद वाहनों और हथियार डिपो या सैन्य समूह पर घातक हमला कर सकता है। 60 से 90 मिनट तक की उड़ान क्षमता नगस्त्र साफ तौर पर फिक्स्ड विंग्स ड्रोन है, जिसके पेट में विस्फोटक रखकर दुश्मन के जिस तरीके से अंडे पर हमला, साफ तौर पर बार बार इसको लेकर तमाम ऐसी जानकारी भी जुटाई जा रही हैं जो बताता है कि कैसे ये 60 से 80 मिनट तक की उड़ान क्षमता नगस्त्र फिस्टेड विंग्स ड्रोन है, जिसके पेट में विस्फोटक रख दिया जाता है और दुश्मन के जो अड्डे होते हैं उन पर इससे हमला बोला जा सकता है। इसके वेरिएंट्स को ट्राइपॉड या हाथों से उड़ा सकते हैं। इसका वजन 6 केजी और ये एक बार में लगभग 60 मिनट की उड़ान भर सकता है। ऑपरेशनल रेंज दो हिस्सों में बटी है, 15 किलोमीटर। वीडियो लिंक रेंज की बात की जाए तो हमले के दौरान रियल टाइम वीडियो बनाता है, लगभग 45 किलोमीटर जीपीएस टारगेट रेंज है। इसमें 1 केजी वजन का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। इसके विस्फोट से 20 मीटर का इलाका खत्म हो सकता है। इसमें रियल टाइम वीडियो बनता है, यहां तक कि सर्वेलेंस और हमला कराने में सक्षम। दूसरा वेरिएंट मैन पोर्टेबल है, इसे 2 सैनिक मिलकर ढो सकते। इसमें 4 केजी विस्फोटक लग सकता है। दिन रात दोनों में काम करने लायक सुसाइड ड्रोन दूसरा वेरिएंट टैंक है। बकस्तर बंद और एंटी पर्सनल हमले के काम आ सकता है। ये पोर्टेबल
न्यूमैट्रिक लॉन्चर के जरिए उड़ता है। इसके 3 मॉडल्स आते हैं, इसमें ड्यूल सेंस लगे हैं जो दिन रात में काम करते हैं। इसका वजन 11 केजी है। ये 90 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। वीडियो लिंक रेंज 25 किलोमीटर है। इसराइल और पोलैंड के हथियारों से सस्ता PGS टारगेट रेंज 60 किलोमीटर है। ये हथियार इसराइल और पोलैंड से आयात किए गए हवाई हथियारों, आपको बता दें कि करीब 40% सस्ता पड़ेगा। 2 साल पहले ही सोलर इंडस्ट्रीज ने जेट मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम में 45% का इक्विटी स्टेक लिया है। इससे सोलर कंपनी को मानव रहित एरियल व्हीकल UAV बनाने का मौका मिला। ऐसे में ये जो ड्रोन तैयार किया गया है, जो भारतीय सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।